दोस्तों ये बाइक में हम 1.5 घंटे से परेशान हो गए हैं और बाइक में हमारा क्या प्रॉब्लम है, करंट का प्रॉब्लम है। देखिए इसका सारा चीज हम ओपन कर दिए हैं मगर इसमें हमारा करंट ही नहीं आ रहा है, सारा चीज हम चेक कर लिए हैं। तो दोस्तों कभी भी अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है आपके दुकान पर, आपके गैरेज पर, बाइक में करंट नहीं बना रहा है और सारा चीज सही है, सारा चीज हम चेक कर लिए हैं, आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। अगर आपके गैरेज में इस तरह का है, करंट ना है, तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चेक करना है आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं, आपको दिखा दे इसका चाबी ऑन है। देखिए चाबी ऑन करने के बाद में इसका बैटरी डेड है, हॉर्न काम नहीं कर रहा है, सेल भी काम नहीं कर रहा है, बैटरी डेड है। और अच्छी तरह से आपको दिखाने के लिए इसका प्लग हम बाहर निकाल दिए हैं, ओपन कर दिए हैं, अब इस वायर का यहाँ पे हम अटैच करते हैं। तो चलिए हम यहाँ से किक प्रेस करके दिखा रहे हैं। देखिए किक प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हमारा करंट नहीं बना रहा, देखिए थोड़ा सा भी करंट नहीं बना रहा है, एक जरा सा भी करंट नहीं बना रहा है। तो दोस्तों करंट नहीं बनाता है बाइक में, तो सबसे पहले इसका चाबी में हमारा अगर बैटरी सही रहता है तो हॉर्न प्रेस करने के बाद में पता लग जाता है कि इसका चाबी स्विच सही है। तो इसमें हम इसका चाबी स्विच चेक करने के लिए चाबी स्विच पहले डायरेक्ट करेंगे, हो सकता है कि बारिश के मौसम में ये जो चाबी स्विच है इसमें हमारा कार्बन लग जाता है। देखिए इसमें हमारा कार्बन लग गया है, यहाँ से भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट किस तरह से करना है, तो दोस्तों इसको डायरेक्ट करने के लिए एक हम वायर का टुकड़ा ले लिए हैं। ये वायर का टुकड़े को क्या करेंगे, जो हमारा चाबी स्विच का वायर है दोनों में एक एक वायर इसको होल्ड करना है। आपको सारा चीज लाइव प्रूफ दिखाएंगे, कहीं से वीडियो कट नहीं करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से होल्ड कर दिए। होल्ड करने के बाद में अब क्या करेंगे, इसको कपलर को हम लगा देंगे। लगाने के बाद यहाँ से अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि जो वायर है हमारा हिले ना, अच्छी तरह से लगा देंगे। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरह से होल्ड कर दिए हैं। चाबी अब हमारा ऑफ भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम ऑन करके भी आपको दिखाएंगे। फिर से एक बार किक प्रेस करेंगे, किक प्रेस करके दिखाते हैं कि करंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ये वायर को अच्छी तरह यहाँ से होल्ड कर ले ताकि करंट इसमें आए तो आपको अच्छी तरह से दिखाए। जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए किक प्रेस करने के बाद में यहाँ से हम किक प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे किक प्रेस करने के बाद भी थोड़ा सा इसमें करंट नहीं बना रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हम सारा चीज इसका चेक कर लिए हैं, इसका मैग्नेट कॉइल उधर से चेक कर, रेगुलेटर भी चेक कर लिए हैं, सारा चीज चेक कर लिए हैं। आपको सिर्फ दिखाने के लिए डायरेक्ट यहाँ से हम चेक करेंगे। अगर यहाँ करंट आ रहा है तो समझिए कि आपका जो पिकअप कॉइल है वो सही है और रेगुलेटर है वो भी सही है। तो हम चेक कर लिए हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए चेक करेंगे। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हमको एक टेस्टिंग लैंप का जरूरत पड़ेगा। टेस्टिंग लैंप हमारे पास है। इसको क्या करेंगे, जो टेस्टिंग लैंप का मेन वायर है या जो बैटरी वाला टर्मिनल है इसमें इंस्टॉल करेंगे, अर्थ को कहीं भी बॉडी में दे देंगे। और टेस्टिंग लैंप है इसका मेन वायर हम इसमें अटैच कर देंगे, अर्थ को बॉडी में दे दिए हैं। अब क्या करेंगे, किक प्रेस करने के बाद में देखेंगे इसमें हमारा लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। अब किक प्रेस करते हैं, किक प्रेस करने के बाद इसमें हमारा लाइट जलना चाहिए। देखिए किक प्रेस करने के बाद इसमें हमारा लाइट जल रहा है। आपको अच्छी तरह से दिखाने के लिए एक बार इसको ऐसे होल्ड करके दिखाते हैं। देखिए इसमें हमारा लाइट जल रहा है, देखिए इसमें लाइट जल रहा है, हमारा करंट आ रहा है, यहाँ तक करंट आ रहा है। इसका मतलब मैग्नेट कॉइल भी सही है, हमारा आर आई यूनिट भी सही है, यहाँ तक हमारा बिल्कुल ही सही है। हो सकता है कि जो हमारा सेल्फ रिले है, सेल्फ रिले कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, तो शॉर्ट होने के कारण भी बाइक में हमारा करंट नहीं बनाता है। तो चलिए सेल्फ रिले को एक बार बाहर निकालते हैं और सेल्फ रिले निकालने के बाद फिर से करंट चेक करके दिखाते हैं। दोस्तों सेल्फ रिले को हम बाहर निकाल दिए हैं। बाहर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, किक प्रेस करके देखते हैं कि हमारे यहाँ करंट बनाता है कि नहीं बनाता है। तो चलिए हम यहाँ से किक प्रेस करते हैं। यहाँ किक प्रेस करने के बाद थोड़ा सा भी इसमें हमारा करंट नहीं आ रहा है, देखिए थोड़ा सा भी करंट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा करंट आ रहा है, उसके बाद में डायरेक्ट हमारा सीडीआई में चेक करेंगे, सीडीआई से प्रॉब्लम है, हमारा सीडीआई में प्रॉब्लम है या कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सीडीआई को पहले बाहर निकालते हैं, और सीडीआई हमारे देखने में सही लग रहा है, इसको साइड में रखते हैं। और सीडीआई में वायर करंट चेक करने के लिए कौन सा वायर में चेक करना है, तो ये जो दो वायर है इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जो चार वायर है इसमें हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें से कौन सा वायर में चेक करना है, देखिए जो रेड है यहाँ पे आपको अच्छी तरह से दिखा दे, देखिए ये जो रेड है, रेड पे ब्लैक पट्टी है, जो रेड है रेड पे ब्लैक पट्टी है, इसमें हमको करंट चेक करना है। इसमें किक प्रेस करने के बाद या चाबी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट का इसमें करंट आना चाहिए। तो इसमें हम अभी क्या करेंगे, इसका बैटरी डेड है, उसके लिए हम टेस्टिंग लैंप का मदद से इसको हम चेक करेंगे करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इसमें हम टेस्टिंग लैंप होल्ड करते हैं, होल्ड करके फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों जो टेस्टिंग लैंप है इसका हम वायर अच्छी तरह से इंस्टॉल कर दिए हैं। ये जो रेड वायर है हम यहाँ पे जो उधर से वायर है रेड पे ब्लैक उसमें इंस्टॉल किए हैं, और टेस्टिंग लैंप का जो ब्लैक वायर है यहाँ हमारे अर्थ में अटैच किए हैं। अब यहाँ से हम किक प्रेस करेंगे तो इसमें हमारा लाइट जलना चाहिए, अगर लाइट जल रहा है तो हमारा वायरिंग भी सही है। देखिए एक बार अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए। तो हमारा इनपुट उधर से करंट आ रहा है, लग रहा है कि हमारा सीडीआई बाहर करंट नहीं भेज रहा है, सीडीआई में हमारा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जिसके कारण होता है इस तरह। सीडीआई हमारा देखने में सही लग रहा है, मगर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पेट्रोल डाल करके वाश करके इसको ठोकेंगे, हो सकता है इसमें कभी कभी डस्ट जाने के कार्बन हो जाने की वजह से करेंट नहीं देता है। तो इसको साफ करके और लगा करके एक बार देखते हैं फिर से करेंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है।
तो चलिए इसको अच्छी तरह से हम वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे, यहाँ पे होल्ड कर देते हैं। होल्ड करने के बाद देखते हैं कि बाइक में हमारा करंट आता है कि नहीं आता है। यहाँ से किक प्रेस करके आपको दिखा रहे हैं, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करंट नहीं बना रहा है, सारा चीज आपको दिखा दिए। इसका चाबी स्विच भी हम दिखा दिए और इसका मैग्नेट कॉइल भी सही है दिखा दिए। आरआर भी हमारा काम कर रहा है सही है, यहाँ पे करंट आ रहा है और सीडीआई में भी करंट आ रहा है। उसके बाद में भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये हमारा देखिए आई स्मार्ट बाइक है, सबसे खतरनाक बाइक है। कॉइल दिया है आई थ्री एस को भी हम देख लेते हैं। इसमें भी जो नया मॉडल का बाइक आया है इसमें भी प्रॉब्लम रहता है जिसके कारण बाइक स्टार्ट नहीं होता है। तो चलिए एक बार इसको बाहर निकालते हैं और निकाल करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका I3S कॉइल है, I3S कॉइल इसका शॉर्ट हो गया है। देखिए इसको जब हम बाहर निकाले, इसमें ढका हुआ था तो दिखाई नहीं दे रहा था। इसका I3S कॉइल आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ से हमारा फूट गया है, अब ये खराब हो गया है। अगर इसको जाएंगे मार्केट में लाने के लिए तो हमारा लगभग 2,000-2,500 रुपये का पड़ेगा। अभी हमारे पास में ये उपलब्ध नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर आपके पास ऐसा बाइक आ रहा है, इसका I3S कॉइल खराब हो गया है, बाइक में कनेक्ट नहीं बना रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, आपके पास I3S कॉइल नहीं है, तो उसको हम बाईपास करने का भी तरीका बताएंगे। ये खराब भी होगा फिर भी आपका बाइक स्टार्ट होगा, तो उसको किस तरह से करना है दोस्तों सारा चीज हम आपको बताएंगे। मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें। चलिए एक बार दिखाते हैं, ये I3S कॉइल खराब है हमारा, अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसको किस तरह से बाईपास करना है। बाईपास करने के लिए ज्यादा आपको हम समय वेस्ट नहीं करेंगे, जो मेन वायर है उसको सिर्फ छोड़ देते हैं और जो फालतू वाला वायर है इसको इंस्टॉल कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों जो हमारा फालतू वाला वायर था उसको हम लगा दिए हैं। ये भी फालतू नहीं है, इससे भी हमारा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है, मगर इसको बाईपास करने के लिए जो हमारा जो दो वायर है इसी का सिर्फ हमको जरूरत पड़ेगा। इसको बाईपास करने के लिए देख लीजिए कौन सा कलर का वायर है, ये हमारा ग्रीन है और इसमें देख लीजिए पिंक पे हमारा ग्रीन है। इसको क्या करेंगे बाईपास करने के लिए, एक वायर का टुकड़ा हम लिए हैं, ये वायर का टुकड़ा को इसमें इंस्टॉल करेंगे। देखिए इसमें इंस्टॉल करके और फिर आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये लगा देंगे। इसे बाईपास करने से कोई भी आपके जो बाइक है इसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको बाईपास करके आपको दिखाते हैं कि करंट बनाता है कि नहीं बनाता, तो इसको इसमें इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करके अच्छी तरह से, ताकि ये हमारा कभी बाइक चले तो ये हमारा हिले डुले ना, तो अच्छी तरह से होल्ड करेंगे। नहीं तो फिर हो सकता है कि बाइक जब हमारा चलेगा तो कहीं भी ठोकर पड़ेगा तो वहाँ पर हिल जाएगा, फिर बाइक में हमारा वही स्टार्टिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, करंट का प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए हमारा वायर को इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं, अब इसको होल्ड करेंगे, इसमें अच्छी तरह से होल्ड कर देंगे ताकि हमारा हिलो डुले ना था। होल्ड करने के लिए जो कपलर है इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे, देखिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है मगर इसको होल्ड कर देंगे, देखिए होल्ड हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा करंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, देखिए इसमें हमारा करंट बना रहा है, देखिए इसमें हमारा करंट बनाने लगा। अब क्या करेंगे, बाइक को भी स्टार्ट करके दिखाएंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, और स्टार्ट होने के बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम प्लग को यहाँ इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद फिर बाइक को डायरेक्ट स्टार्ट करके आपको एक ही बार मिलेगा। तो चलिए इसको प्लग भी हम इंस्टॉल कर दिए हैं, वायर भी इंस्टॉल कर दिए हैं और ये जो हमारा सीडीआई है सारा चीज ओके है। अब बाइक को स्टार्ट करके देखते हैं करंट बनाता है कि नहीं बनाता है, बाइक स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। देखो दोस्तों बाइक हमारा स्टार्ट हो गया, देखिए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।